You're most welcome in my YouTube channel, News Talk Cinema FTC. वेलकम वेडिंग भाई, आप लोग नाम सुन के समझ ही गए होंगे कि आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी एक फिल्म का ट्रेलर 2 दिन पहले लॉन्च हुआ जिसका नाम है वेलकम वेडिंग, जो काफी कॉमेडियन फिल्म होने वाली है। होने वाली क्या है, मतलब कॉमेडियन फिल्म है ही है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी फैंस हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन में भी घंटी दबा डालिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर डालिए, ताकि उन्हें भी हर भाषाओं के फिल्म के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए वेलकम वेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वे फिल्म आपको 29 मार्च 2024 को सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगा। अब इस फिल्म के निर्माता है विकास सिनक और चंद्रशेखर प्रसाद जी। फिल्म के निर्देशन का काम किया है आनंद राउत जी। लेखक हैं सचिंद्र शर्मा और छायांकन किया है नरेन गेंदी जी और संगीत है अल्ट्रा म्यूजिक का। अब स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें स्टार कास्ट कोई खास नहीं है, सिर्फ कॉमेडियन स्टार हैं हमारे राजपाल यादव जी, राखी सावंत जी, दर्शन जरीवाला जी, राजू खेर जी, अरुण बख्शी जी, फरीदा गादी, साहिल कोहली, कोमल झा, प्रकाश निक, मलिंद प्रसाद, जया मिश्रा, रोहित राज जी। अब चलिए इस फिल्म की थोड़ी सी कहानी पर चर्चा कर ले। तो फिल्म की कहानी यही है कि राखी सावंत हमेशा पॉपुलरिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ रियल लाइफ में भी करती है और इस फिल्म में भी वही चीज किया है। तब फिल्म में दे डालती है कि वो एक बुढ़े व्यक्ति से शादी कर रही है। और भाई फैमिली ड्रामा है, कॉमेडियन काफी कमाल का ड्रामा बाजी फिल्म है भाई। देखना है कि जैसे दिखाया गया है ट्रेलर में कॉमेडी, क्या वैसी सेम कॉमेडी फिल्म के कंसेप्ट में रहेगी या नहीं रहेगी, तो आने वाला वक्त यानी 29 मार्च ही बताएगा। हाँ, अब इस फिल्म में थोड़ा सा एक दो चीज़ है नेगेटिव पॉइंट जो दर्शकों को चाहे थिंक करे, लेकिन मैं वो नेगेटिव पॉइंट नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी फिल्म आई नहीं है। जब तक फिल्म नहीं आ पाती पूरी, तब तक किसी के नेगेटिव के बारे में बताना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि शायद ट्रेलर में नेगेटिव दिखाया गया हो और फिल्म में उसका प्रमोशन कर दिया जाए। तो दोस्तों वेलकम वेडिंग आप लोग जरूर देखिए 29 मार्च 2024 को, और मुझे दीजिए इजाज़त ऐसे ही, और आप लोग देखते रहे न्यूज़ टॉक सिनेमा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।